नमस्कार, खबरें जरा हटके में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि केरल में ट्रांसजेंडर के लिए अलग अस्पताल खोला गया है। केरल के कोट्टयम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्लिनिक स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह देश का ट्रांसजेंडर के लिए अलग अस्पताल है। देश में आजादी मिलने के 70 साल बाद देश के किन्नरों के लिए यह सुविधा दी गई है। विदित हो कि समाज में हमेशा से ही उपेक्षित रहे किन्नरों की आबादी के लिए कोट्टयम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू की गई है। कहना गलत न होगा कि यह देश में अपने प्रकार का पहला प्रयास है। इस आशय का समाचार दक्षिण भारत के प्रमुख अंग्रेज दैनिक द हिंदू में प्रकाशित किया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश शांता कुमारी ने इस सेवा का विधिवत उद्घाटन किया है। कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी विभाग की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी जय कुमार ने बताया कि जरूरत पड़ने पर आम लोग तो तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय ऐसा नहीं कर पाता। उनकी अपनी मजबूरियां होती है और इसी सच्चाई के एहसास ने अस्पताल को यह सुविधा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि इस क्लिनिक में साइक्रेटरी, इंडोक्रोनोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी और यूरोलॉजी आदि के विशेषज्ञ भी ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। अलग से व्यवस्था होने तक कुछ समय के लिए विशेष क्लिनिक प्लास्टिक सर्जरी विभाग से संचालित होगा। अस्पताल में मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सी यू एन जकारिया को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है।